दोस्तों, जब भी हमारे साउंड सिस्टम की आवाज़ को बड़ी ग्राउंड में पहुंचाना होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास प्रसारित करना होता है, तब हमारा ये नॉर्मल यूनिट यूज नहीं होता है। उस समय हमें आवश्यकता पड़ती है LMT यूनिट की, ठीक है, जो कि हमारे एम्पलीफायर के जो लाल वाली डिब्बी है जिसमें हमारा कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट लिखा हुआ है, इससे चलाया जाता है। और ये साधारण यूनिट हमारे इस काली डिब्बी से चलते हैं, इन्हें इस डिब्बी से नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि अगर हम ज़्यादा यूनिट ज़्यादा दूरी पर लगाएंगे तो इसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। लेकिन अगर क्या हो कि हम इस नॉर्मल यूनिट को इस डिब्बी से चलाएँ, यानी हमारे पास बजट कम है और हम इसी यूनिट को LMT बनाना चाहें, तो आज के इस वीडियो में आपको यही बनाना सिखाऊंगा कि इस नॉर्मल यूनिट को LMT यूनिट में कैसे चेंज किया जा सकता है। वीडियो पर लास्ट तक बने रहना और ध्यान से वीडियो को देखना, आपको पूरी जानकारी देंगे और आपका बजट भी बचेगा और इसी यूनिट के जरिए आप दोनों भी काम कर सकते हैं। इसी यूनिट का इस्तेमाल LMT के रूप में भी कर सकते हैं और इसे नॉर्मल यूनिट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त पवन अरुद्रा और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल RDG सपोर्ट पर। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमें अपनी इस नॉर्मल यूनिट को LMT यूनिट बनाने में सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी इस लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर की, जो कि 100 वोल्ट इनपुट लेगा और आपको मैक्सिमम 50 वाट तक के यूनिट को चलाने की क्षमता देगा। तो आप इसे मार्केट से ख़रीद सकते हैं, नहीं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे जाके ख़रीद सकते हैं। अब आपको हम इसका कनेक्शन करके दिखाते हैं किस प्रकार से किया जा सकता है। कनेक्शन करने के बाद हम आपको इसकी टेस्टिंग भी दिखाएंगे, तो आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना क्योंकि टेस्टिंग देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, हमें अब कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले ट्रांसफार्मर में देखना होगा कि जिस तरफ से दो आउटपुट वाली वायर निकली हुई हैं, एक काली और लाल, इसको अपने यूनिट से कनेक्ट करना होता है। जो ये लाल वाली तार है, इसको आपको अपने यूनिट के L1 वाले सेक्शन से कनेक्ट करना है। जो हमारा L1 वाला पॉइंट है, इससे जोड़ना है अपनी लाल तार को। इस प्रकार से हम ऐड कर देंगे और L2 वाले वायर को हम अपनी इस ट्रांसफार्मर की इस काली वाली वायर से ऐसे करके जोड़ देंगे। इतना जोड़ने के बाद आपको इस पर अच्छे से टेपिंग कर लेना है ताकि ये आपस में टच ना हो, नहीं तो ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा। इसमें भी अपना टेपिंग कर लेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करते जाना और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही वीडियो समय समय पर आती रहती हैं साउंड सिस्टम और DJ से जुड़ी हुई। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने इस ट्रांसफार्मर के आउट से अपने यूनिट को अच्छे से कनेक्ट कर लिए हैं, अब आपको क्या करना है, आपको जहाँ भी अपना यूनिट लगाना है वहाँ पर यूनिट लगा दीजिए और इस ट्रांसफार्मर को अच्छे से इसके ऊपर चिपका दीजिए या फिर कहीं पर इसे बांधने की व्यवस्था बना दें जिससे ये गिरे ना। और अब बाद में हम इसका कनेक्शन करेंगे अपने इस इनपुट का। तो आपको जितनी भी दूरी पर लगाना इसे लगा देंगे और यहाँ से एम्पलीफायर से आउट लेंगे कॉमन और 100 वोल्ट से। और आपको मैंने छोटी वायर यहाँ पर लगाई है जिससे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो कनेक्शन बताने में। तो आपको जितनी दूरी पर बांधना है वहाँ पर बांध लेना और सिंपली आपको फिर क्या करना है, आप ट्रांसफार्मर के पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है व्हाइट वाली वायर WHI ये कॉमन दिखाई गई है, तो इस ट्रांसफार्मर में ये जो वायर मिलेगी आपको ये कॉमन का काम करेगी। तो आपको जो भी हमारे एम्पलीफायर से कॉमन वायर निकल के आएगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉमन पर मैंने हरे रंग की वायर लगा रखी है, तो मैं अपनी इस हरी वायर के साथ के इसको कनेक्ट कर लूँगा। ऐसे इसको मैंने कनेक्ट कर लिया, कॉमन से अपनी सफ़ेद वाली तार को ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। और आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि जो यहाँ से बहुत सारे आउटपुट निकलते हैं, इनमें अलग अलग वाट होता है, ठीक है, अलग अलग वाट की यूनिट यहाँ से चलाए जा सकते हैं। अगर आपके पास 50 वाट का यूनिट है तो आप इस रेड वाली में लगाएंगे, उससे छोटा है 40 का है तो इसमें, 30 का है इसमें, 20 का इसमें और 10 का 5 का है तो इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और कुछ ट्रांसफार्मर में इधर से स्टार्ट होता है, तो आप पहले टेस्ट कर लेना कि किधर ज़्यादा अच्छा वोल्टेज आ रहा है, जिधर अच्छा वोल्टेज आएगा उधर ही आपको अपने 50 वाट की यूनिट को ऐड कर देना है। मैंने टेस्ट किया था तो मेरे इस रेड वाली वायर में 50 वाट की यूनिट चलाने के लिए आउटपुट आ रहा था, तो ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे एम्पलीफायर से 100 वोल्ट से वायर आती है उसको अपने इस रेड वाली वायर से कनेक्ट कर देंगे। ये मैंने यहाँ पर वाइट लगाई थी, ये इधर से वाइट है, इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। इतना कनेक्ट करने के बाद अपनी जो ये सारी वायर हैं इन पर आपको टैपिंग कर देना है अच्छे से। तो हमने अच्छे तरह से कनेक्ट कर लिया है, अपने जो इनपुट सेक्शन है उससे अपने वाइट वाले को कॉमन और रेड वाले को 50 वाट पर
ऐड कर दिया है, और इधर अपने जो रेड वाला वायर था इधर L1 से और जो ब्लैक वाला वायर था इधर L2 से कनेक्ट कर दिए हैं। तो इस प्रकार इसका कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है, और आपको इसकी टेस्टिंग भी करके दिखाते हैं। दोस्तों, इसकी टेस्टिंग करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मनोबल मिलता है, जिससे हम आगे और भी वीडियो लाते हैं। तो प्लीज़ हमें आगे बढ़ने में मदद करें, जिससे हम और भी आगे आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। तो चलिए इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने इसको पूरा सेटअप कर लिया है, और ये मैंने अपना LMT यहाँ पर सेट करके रखा है। अभी आपको हम पूरी टेस्टिंग करके दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने अपने सॉन्ग को प्ले किया, सॉन्ग चलने लगा है। अभी यहाँ से मैं अपनी वॉल्यूम बढ़ाना स्टार्ट करूँगा। दोस्तों, आपने इसकी फाइनल टेस्टिंग देख लिया। अब आप इसका कितना भी वॉल्यूम देंगे, कितनी भी दूरी पर लगाएंगे, तो ये आराम से चलता रहेगा LMT यूनिट की तरह एकदम सेम। अगर आपको जब भी LMT की ज़रूरत पड़े तो आप ट्रांसफार्मर लगा के इस नॉर्मल यूनिट को LMT के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसी यूनिट को नॉर्मल में चलाना है तो आपको इस LMT ट्रांसफार्मर को अलग कर देना है, तो आपका ये नॉर्मल यूनिट बन जाएगा। तो आपके उसी पैसे में दोनों काम हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। इससे आपका बजट भी बचेगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।